ना। चलिए फटाफट अंदाज में आपको खबरें दिखाते हैं। आरएलएसपी के दो विधायक जेडीयू में शामिल हो गए हैं। ललन पासवान और सुधांशु शेखर ने आज जेडीयू का दामन थाम लिया। आरएलएसपी एमएलसी संजीव श्याम भी जेडीयू में शामिल हो गए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री रविंद्र मिश्रा ने उठाई तेजस्वी के इस्तीफे की मांग। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया है, पूरे बिहार में प्रदर्शन चिंताजनक रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा गया, पूरे बिहार में प्रदर्शन चिंताजनक रहा, ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी तेजस्वी की बनती है। तेजस्वी को इस्तीफा देकर पार्टी की कमान किसी दूसरे नेता को सौंपनी चाहिए। जेडीयू ने भी राहुल गांधी ममता बनर्जी का हवाला देते हुए तेजस्वी से इस्तीफा देने को कहा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को आरजेडी विधायक दल के नेता के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इसे पार्टी का मामला बताया है। जवाब देते हुए कहा है कि अभी पार्टी की बैठक नहीं हुई है, किसको नेता रखना है ये हम तय करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के अल्पसंख्यकों पर दिए गए बयान पर बिहार में सियासी घमासान मचा है। आरजेडी और कांग्रेस ने पीएम के दावे को झूठा बताया है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी और कांग्रेस नेता रविंद्र मिश्रा के मुताबिक कभी बीजेपी ने वंदे मातरम तो कभी गौमांस के नाम पर अल्पसंख्यकों को डराया धमकाया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री के संदेश को सभी को मानना चाहिए, हम उनका भी साथ देंगे जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ी, चुनाव में खराब प्रदर्शन से तनाव में हिलाल। डॉक्टर्स के मुताबिक लालू प्रसाद यादव ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, रांची के रिम्स में फिलहाल भर्ती हैं लालू यादव। बीजेपी नेता नंद किशोर यादव ने की लालू यादव के स्वास्थ्य की प्रार्थना, कहा लालू यादव अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने लालू के खाना छोड़ने को गंभीर मामला बताया, कहा सरकार और परिवार उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दें। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने लालू के स्वस्थ होने की कामना की, कहा कि व्यक्तिगत तौर पर कामना है कि लालू स्वस्थ रहे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आरजेडी पर हमला, कहा आरजेडी कई टुकड़ों में बट जाएगी, आरजेडी नेताओं को तेजस्वी पर भरोसा नहीं। एलजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। उनकी चाहत यह है कि उनके पिता रामविलास पासवान ही मोदी कैबिनेट में दोबारा मंत्री बने, क्योंकि पिछली बार का अनुभव भी उनके पास है। खगड़िया में लूट की पिकअप वैन के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, पसराहा पुलिस ने वैसा गांव से किया गिरफ्तार। NH31 से फल लदे पिकअप वैन को लूट कर भागे थे अपराधी। महुआ में पानी को लेकर महिलाएं पुरुष और बच्चे सड़क पर उतरे, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के खिलाफ की नारेबाजी। वैशाली में पानी की समस्या से लोग परेशान। हाजीपुर में जमीन विवाद में बेटे ने अपने पिता की काटी गर्दन, पिता गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती। छोटे बेटे ने पिता को जमीन बंटवारे को लेकर डाला था दबाव। आरा से तेज रफ्तार बोलेरो कार अचानक अनियंत्रित होकर चाय दुकान में घुस गई, कार ने दुकान के अंदर चाय पी रहे दर्जनों लोगों को कुचल दिया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने आरा पटना मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। लोग हादसे में पीड़ित लोगों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ये दर्दनाक घटना शहर के अहिर पूर्वा मोहल्ले की है। सड़क जाम और दुर्घटना की खबर मिलते ही नगर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। मधुबनी में दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। इस हादसे में चार लोग घायल हो गए हैं, घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे से गुस्साए स्थानीय लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। बेगूसराय में अपराधियों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में तीन लोगों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। पहली घटना फुलवरिया थाने से है, जहां पर अपराधियों ने खाना खाकर लौट रहे दो भाइयों को गोली मार दी, जिसमें दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। दानापुर में बहू के साथ ससुराल वालों ने प्रताड़ना की सारी हदें पार कर दी है। महिला को 15 साल से बेरहमी से पीटा जा रहा है और आज उस पर केरोसिन तेल छिड़क कर जान से मारने की कोशिश की गई। सहरसा में 15 साल की बच्ची ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बच्ची को उसके घर वालों से किसी बात पर डांट पड़ी थी, जिसके बाद दुखी होकर बच्ची ने सुसाइड कर लिया।
सीतामढ़ी के हरनहिया गांव में एक पिता ने अपनी दो मासूम बेटों की हत्या के बाद अपनी भी जान दे दी। भाभी के साथ अवैध संबंध कारण बताया जा रहा है। इस बात को लेकर पत्नी लगातार विरोध करती आ रही थी। बेगूसराय में प्रेमी जोड़े की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में आसपास मौजूद लड़के प्रेमी प्रेमिका की बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं। 5 से 6 लड़कों ने मिलकर उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी और लड़की के साथ दुष्कर्म की भी कोशिश की। वीडियो बैदा बभन गामा क्षेत्र के जगदर का बताया जा रहा है। प्रेमी जोड़े को कुछ लोगों ने जगदर गांव की पुलिया पर पकड़ लिया था और बेरहमी से पिटाई की। इस वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े हैं। छपरा के रसूलपुर थाना क्षेत्र में गिरिटोला में एक बुजुर्ग महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसकी बहू को गिरफ्तार किया। इस दौरान आरोपी महिला ने हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। समस्तीपुर में लीची के बागान से भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। ट्रक से शराब उतारी जा रही थी और तभी पुलिस ने देर रात छापेमारी की है और मौके से अंग्रेजी शराब जब्त की है। समस्तीपुर पुलिस ने साइको किलर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के दौरान भी साइको किलर ने चाकू से हमला कर कई पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। कैमूर जिले में दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाकर भाभी ने अपने देवर को जेल भिजवा दिया। यहां युवक 3 महीने से जेल में है। जब कैमूर एसपी ने सुपरविजन के दौरान केस को देखा तो दोनों पक्षों को बुलाकर पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ। खगड़िया के सदर अस्पताल में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ का मामला सामने आया। मरीज के परिजनों ने की तोड़फोड़। करंट लगने से युवक अस्पताल में था भर्ती। युवक की मौत के बाद भड़के परिजन। गोपालगंज में बीती रात दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। एक ही पक्ष के दो भाइयों को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल युवकों को आनंद फानंद में बरौली पीएचसी में भर्ती कराया गया। गोपालगंज में 22 साल के युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतक के सीने में नुकीली चीज से लगे गहरे जख्म का निशान है। घटनास्थल पर युवक की बाइक भी गिरी मिली है। वैशाली में जमीन विवाद में एक बेटे ने पिता पर हमला कर दिया। मामला बिदपुर थाना क्षेत्र के दिलावरपुर नन्हाचक गांव का है। युवक ने तेज हथियार से अपने पिता का गला रेता। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 72 के रिकाबगंज मोहल्ले में सड़क और नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने पर नाराज ग्रामीणों ने इंजीनियर और ठेकेदार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नालंदा के रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ ने मिशन 1 लाख पूरा कर लिया है। पिछले 1 जुलाई 2018 को रोटरी क्लब ऑफ बिहार शरीफ ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1 लाख पेड़ लगाने का निर्णय लिया था जिसे आज पूरा कर लिया गया। छपरा के माझी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कार से 8 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है। मधुबनी के रामपट्टी में कृषि कार्यालय के पास जिला स्तरीय खरीफ कर्मशाला से प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी ने दीप जलाकर किया। सहरसा में पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने बुजुर्ग किसान को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनंद फानंद में घायल किसान को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। मधुबनी एसपी ने जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल के सभी थानाध्यक्षों के अलावा संबंधित मामलों के अनुसंधानकर्ता मौजूद रहे। मुंगेर में गंगा स्नान के दौरान एक भाई की डूबने से हुई मौत जबकि दूसरे के स्थानीय लोगों ने बचाई जान। पुलिस कर रही है शव की तलाश। मधुबनी में शराब कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंधराठी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर शराब के साथ 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया। सिवान के महाराजगंज थाना के राजकीय मध्य विद्यालय से चावल की 4 बोरियों की चोरी। इस सूचना के आधार पर महाराजगंज थाना ने जांच के और छापेमारी के 4 बोरियों चावल को बरामद किया। फॉरबसगंज के जोगबनी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाते हुए हवा में रंग उड़ाए। विधायक समेत जिलाध्यक्ष ने हिस्सा लिया और गाजेबाजे के साथ पूरे शहर का भ्रमण करते हुए मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया। रक्सौल नगर परिषद के चेयरमैन पद को लेकर 25 पार्षदों में से करीब 15 पार्षदों ने नेपाल में डेरा जमा रखा है। सभी पार्षद नेपाल के नारायण घाट में रेड कार्पेट होटल में ठहरे थे जहां उनकी मीटिंग हुई। पटना सिटी में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने गंगा घाट पर खड़े ट्रक में छापेमारी कर 43 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त की है। देवघर के बंधा मोहल्ले में महिला ने शौचालय नहीं बनने पर चूहे मारने की दवा खाकर जान देने की कोशिश की।
महिला की पहचान गीता देवी के रूप में हुई है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूरत में कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग में आग लगने के बाद 20 से ज्यादा छात्रों की मौत हो गई। रांची में भी कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनमें से सैकड़ों कोचिंग संस्थान ऐसे ही चल रहे हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास दिल्ली से रांची पहुंचे। दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में शामिल होकर रांची लौटे सीएम। देशभर में एनडीए की शानदार जीत के बाद कल दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई थी। दुमका के गोपी कांदर थाने में तिलक चढ़ाने जा रहे कमांडर जीप ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे कि 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। रांची में खलारी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अमन श्रीवास्तव गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में फिरोज आलम और मिनहाज आलम उर्फ गुड्डू शामिल हैं। हजारीबाग के सदर प्रखंड में उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन पर अतिक्रमण, विरोध करने पर लोगों को अपशब्द कहे गए, मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण होने से इस केंद्र में जाने का रास्ता बाधित हो गया। बोकारो के बेरमो स्थित सीसीएल के काथारा में 2,92,000 टन कोल स्टॉक में आग लगी हुई है। आग लगातार धधक रही है और स्टॉक में रखा करोड़ों रुपए का कोयला राख हो रहा है। पलामू में एक कार शादी के लिए लगाए गए शामियाने में घुस गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, साथ ही 3 लोग घायल हो गए। पाकुड़ के पाकुड़िया के रामलीला यज्ञ मैदान में विष्णु महायज्ञ का शंखनाद विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। यज्ञ समिति के अध्यक्ष राम विरागी दास वैरागी बाबा ने देवी देवताओं का जयकारा कर शोभा यात्रा को यज्ञ मंडप से रवाना किया। युविका में भाग लेकर इसरो से लौटी झारखंड की 3 बेटियां। इसरो समेत कई प्रख्यात वैज्ञानिकों से की मुलाकात। चंद्रयान 2 के मॉडल और लॉन्चिंग पैड को बताया बेहतर अनुभव। लातेहार में पानी की टंकी खराब है। ग्रामीणों को नदी नाले के पानी से ही प्यास बुझानी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसके लिए अधिकारियों से गुहार भी लगाई, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई। पाकुड़ में काजी नजरुल इस्लाम के जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बंगाली समिति के सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। झारखंड के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके सुबह 10:39 पर महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई है और उसका केंद्र पश्चिम बंगाल के बांकुरा में था। दुमका में भी आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकले। हालांकि दुमका जिले में भूकंप की वजह से किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। रांची स्टेशन से चलने वाली कई यात्री ट्रेनें आज रद्द कर दी गई हैं। रांची रेल मंडल के हटिया मोरी रेलखंड के बीच नॉर्मल हाई सबवे के निर्माण को लेकर ये ट्रेनें रद्द की गई। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने पीएम मोदी की पहल का स्वागत किया है। मोहम्मद सलीश ने कहा है कि पीएम के संसद में दिए गए बयान से हौसला बढ़ा है। धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास का कहना है कि मुसलमानों को वोट बैंक समझा गया, किया कुछ नहीं। पीएम मोदी मुस्लिमों के दिल से डर दूर करेंगे। धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी ने पीएम के बयान का स्वागत किया। कहा, पीएम के बयान से उम्मीद जगी है। तुष्टिकरण की राजनीति पर पीएम का हमला। कहा, वोट बैंक के लिए गरीबों की तरह ही चले गए अल्पसंख्यक, हमारे लिए कोई पराया नहीं। पीएम मोदी ने कहा, ना जाति हमें जिताती है, ना वर्ग और ना ही मोदी, हमें सिर्फ जनता जिताती है। गुजरात के बाद 27 मई को पीएम मोदी वाराणसी जाएंगे। वाराणसी में भी पीएम मोदी के साथ अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 9 बजे वाराणसी पहुंचेंगे, बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पहुंचेंगे, काशी की जनता से संवाद भी करेंगे। आरएसएस के सरकारीवा मनमोहन वैद्य का बयान। कहा, हिंदू कभी कट्टरपंथी नहीं हो सकते, क्योंकि वो कभी रूढ़िवाद में यकीन नहीं करते।
मनमोहन वैद्य ने कहा कि 2019 का चुनाव दो विचारधाराओं की लड़ाई था, हिंदू धर्म जीवन जीने का तरीका है। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार ने कहा, जनादेश दिखाता है कि अल्पसंख्यक मुख्यधारा से जुड़े, जनादेश को जाति और धर्म में बांटकर नहीं देखना चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव की पीएम को सलाह, 370 और 35 और राम मंदिर बनाए। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। जेडीएस ने नेताओं और प्रवक्ताओं के लिए सर्कुलर जारी किया है, टीवी डिबेट में शामिल नहीं होने के निर्देश दिए। दुनिया भर के नेताओं से पीएम मोदी को बधाई मिलने पर सिलसिला जारी, ब्रिटेन, जर्मनी, सऊदी अरब के प्रमुखों ने पीएम मोदी को दी मुबारकबाद, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने भी फोन पर दी बधाई।